और ना जीवसर जाने पुराना लोग के आज के कई साल पहले आए अमृता माई हुई बिश्नोई समाज में जी खिजड़ी के पेड़ ने बचाने के लिए 363 लोग की भी शहीद हुआ बलिदान दियो बाकू भी आज दिवस है। तो अगली बार जब भी तेजा दशमी थे भोग लगाओ खीर चूर बैको जहां रामदेव जी को भी लगाओ तेजा जी को भी लगाओ और माँ अमृता को भी लगाओ। अब आप बात शुरू करा आप तेजा जी के प्रोग्राम आर बैठा अब तेजा जी का भजन सुन जावांगा गा जावांगा जितो फिरतो काम तो टीवी पे भी कर सका आपा वीडियो में कर सका आज कल सो रील पड़ी आज कल तो तेजा जी जन्ना और निर्माण दिवस तक में जो करियो भी की आप पालना करने की कोशिश करा तो तेजा फायदा है। हम तेजा जी को मानते हैं तेजा जी की नहीं मानते हम तेजा जी को मानते बट तेजा जी की नहीं मानते। तो शुरू करना बात तेजा जी जन्मया जब एक जमींदार के घर जन्म गरीब घर को जन्म भी टेम कटे राजपूत था कटे जाट था जमींदार खेती बद तो 10-5 गांव की रियासत थी भी टेम जो भी ही बाकी तो मैं एक अच्छे घर में जन्म रहा समृद्ध घर में जन्म रहा। तो शुरू चालू बाको ब्या पोतड़ा में हो गयो मतलब बचपन में हो गयो मान बिरुई बोले तेजा जी के भजन में तेजा जी पूछन मां कुण करी मारी सगाई माता झरणी ए कुण तो परनायो पीले पोतड़ा। तो तेजा जी ने माननीय जका वंश धीबा का यदि वे माँ बाप की इच्छा के बिना शादी करें ना तेजा जी ने मानने की जरूरत को नहीं क्योंकि तेजा तो माँ बाप की इच्छा शादी करी है शुरुआत अठाऊ करा बात है थोड़ा थोड़ी भाग जाए मैं तो तेजा जी मानने बेकूफ मतलब ही मानने बाबू जी सी बात है। तेजा जी को पहलो तेजा जी आपके माँ बाप के कहना हूं शादी करी बचपन में कर ली वे तो फिर आगे चलो तेजा जी सुत्या हा आड़ी हा घर माँ बोली तेजा उठ जाड़ बार आना ही तेजा जी टाबरा बोले माँ मैं क्यों आड़ी बाहर से जब तेजा जी की माँ जी की बात की बात दो लाइन दस सुनाऊ तेजा की माँ की बिल्कुल ठीक है हाड़ी अड़वाए से लेकिन तेरे बाणो तो फायदो वो सुने के हाड़ी कह बायोड़ा हाड़ी कह बायोड़ा मूंग बोट निपजे तेजा रे हाड़ी कह बायोड़ा मूंग मोट निपजे तेजा रे थारे तो बायोड़ा मोती नीप जे तेजा थारे तो बायोड़ा मोती नीप जे। इसका अर्थ आपसे जोड़ो आप चाहे खेती कर रहे हो बिजनेस कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो आपको अपना काम खुद करना होगा। ए दो एक मेरा बड़ा ही एक मेरा छोटा है जानी जी मिल जी बैठे हैं ऐ स्कूल आऊं के कमाऊं बिन तो भूलो लेकिन ऐ स्कूल नहीं खोलता तो थारे दिल पे आते पूछो अत्य कम पिसा में आप पढ़ाई सीख ले फुदर कर सका है के पर ऐ बाड़ा आप जाने जो तो फिर भी थोड़ा मेरो संपर्क कम है ऐ मिल परिवार जुड़े ऐ पांच छह भाई बंधु के में बहुत चिड़ान देख लागे का वो तो एक लो भाई हो कोचिंग में मेरे छह भाई होता ने बचुड़ा दे तो मैं आप भाइयों को प्यार भाई साहब प्रणाम है तुम्हें मैं सीकर में मेरी कोचिंग स्टाफ को एग्जाम्पल देता हूँ मैंने कहा भाई हो तो ऐसे लोग कहते हैं राम इसलिए जीता लक्ष्मण साथ था राम इसलिए जीता लक्ष्मण साथ था कृष्ण इसलिए जीता बलराम साथ था अरे महाराणा प्रताप इसलिए हार गया कि शक्ति सिंह भाई साथ नहीं था जिसके भाई साथ होते ना वो कभी हारते नहीं आगे धन्यवाद होते आगे कारण था शिक्षा की जागृति ने आ गांव में एक बार कई लोग लिखे तो रुपया जहां पढ़ाओ तो एक बात सुनो ऐ स्कूल नहीं होती जो ऐ रुपया थाने सीकर में दे रहा पढ़ता थाने लाइन लागू पढ़ते अठान दे ड्रा उड़ दो बेचारा ने कोई स्कूल जाता सीकर जयपुर। एक बड़ी प्यारी बात मैं करना चाहता हूँ फतेहपुर मान लो हर्ट का डॉक्टर है कोई आंख का डॉक्टर मान लो आती हुई फतेहपुर में और थारा आंख में दिक्कत होगी थारा रुपया की बोरी बरेड़ी है फतेहपुर डॉक्टर को आंख को किंत कैसे होती यदि कोई आंख का डॉक्टर आ जा हर्ट को डॉक्टर आ जा तो वो पिस्ता लेकिन दिखावा तो है थारी समस्या इलाज कर देगा ना तो कहना का मतलब है कि अरे सारा आप संस्था खुद चलाओ है मैं भी 1996 में संस्था शुरू करी वो सितंबर जो है पिछले सितंबर में बेरोग चुनाव लड़ने पर सीखे मैंने तो मैं तो 29 साल सुबह लाए गए 7 बजे रात में 9 बजे भी काम ने मनु करो साहब एक बात है हाड़ी के बायोडा मूंग मोठ नीचे तेजा रे तेरा तो बायोडा इको एग्जाम्पल में बैठे हूँ मैंने भारतीय जनता पार्टी ग्रह बुला टिकट दी बता सकता हूँ बैठा हूँ मैं मेरी तपस्या है मेरी 28 साल की कोई चीज में से वो गांव में कहावत है
पढ़ो बाटो देवता बन जा, इस जगह भी काम न करो मनु करो। मैं यूथ से बात करना चाहता हूँ, तो तेरा जी की माई तो क्यों ना तेरा तो बायोड़ा मोती देख ले, जो काम करो खुद करो। एक बहुत गहरी बात कहता हूं, सोम मुनि में मिलकर सेठ नहीं बना सकते, एक सेठ सोम मुनि में राख सके, मुनिमों सेठ को नहीं बने, सेठ वज्र मुनि में राख सके। इसलिए कदे भी पढ़ाए गांव में, और भी कहावत है कि जेठ के भरोसे बेटी को जन्मी जाए, गांव में जेठ का मतलब बेटी जन्मी बेटो जन्मे, तो भाई जी बाने पालन पोषण की आपने हिम्मत होनी चाहिए। तो आप लोग कोई भी काम करा बिन मनु करना चाहिए। फिर आगे चलो, तेजा जी बा के कहना चला गया खेत में, भाभी छाक ले गई, कई बच्चा टावरा पूछ लो छाक के पूछ दास के छाक के हुए छाक को मत लंच हुआ, पर लंच ले गई, लंच थोड़ा लेट हो गयो ढाड़ा तेजा जी ने, तो किसान के बेटे ने झाड़ नहीं आवे तो भी पूरा तेजा जी भक्के हुए, फिर वो झाड़ तो आपने पूरे तेजा जी ने थी, तो अपन झाड़ आओ तो घबराने की बात कोई, वो भी आपने डीएनए है। तेजा जी की भावज बोल मारिया के मैंने पीसो मैंने पोयो कंवर तेजा रे, तो तेरे को जितनी जल्दी है तो तेरी डाइट भी लिया जा। तो तेजा जी को कहते हैं उस समय तेरे पता में शादी हुई है क्या, जब घर आया फिर ठीक है भाभी अब तो भी हाथ की रोटी खावांगा, मैं घर आया भाभी भी गए लागी, जब भाभी बोली के पनीर जाना हूं पहले भाण ले रहा। अब यहां से तेजा जी का जीवन शुरू होता है, वो अपनी पत्नी को लाने से पहले अपनी बहन को लाने के लिए गया। तो किसान पुत्र यदि पत्नी से प्यार करे उसकी ड्यूटी है, माँ बाप का सम्मान की ड्यूटी है, पर भाण बहन से प्यार करे वो भी उसका धर्म है, जो निभाते भी पहले बहन को लेके आए फिर ससुराल गए। उसके बाद बहन को लाके ससुराल गए तो मूर्त हो गया, थोड़ा सा नहीं था ढंग से मूर्त, पूछ तो लियो मान्यों को नहीं अठापाना गलती नहीं करनी, मूर्त भी पूछो तो हो लेकिन मान्यों को नहीं, तो वो नहीं माने जना पा, थोड़ी सी बाकी प्रॉब्लम है इलियापा ने कि आज चीजा नहीं मान लेनी चाहिए। भाई तेरे सासरे गया आपके ससुराल गया रात में बगीचे में रुक गया बैठा को बगीचे पा कह ससुर जी को पनेर में हो। अब मुझे की सब गहरी बात को बस समझने की कोशिश करे, तेजा जी के भक्त भी आप हो, एक 18 साल का युवा अपनी धर्मपत्नी से पहली बार मिल रहा है, उसके पहले मिले नहीं कभी, वो अपने जीवन में पहली बार अपने धर्मपत्नी से मिल रहा है रात को 9:30 भोजन करने के बाद। और पति पत्नी जब मिलने का समय आता है उस समय बाहर एक गुजरी कहती है कि मेरी गाय चोर ले गए, कोई इस गांव में सूरा है क्या जो मेरी गाय बचा दे। आप सोच कर देख रहा 18 साल का एक युवा अपनी पत्नी से फर्स्ट टाइम मिल रहा है, बाहर गुजरी जो गायों की बात कर रही है जो उसकी कुछ लगती है ना बहन है ना जानकार है, वो गुजरी की गायों को एक बात के बचाने के लिए क्या कोई सूरा यहाँ पर है, वो अपना बाला और सब घोड़ी लेके बाहर आते हैं। लड़के आते हैं चोरों से, रास्ते में एक सांप अग्नि में पड़ा है, तो तेरा दिन दया आई, तो किसान पुत्र के दिमाग में दया होना बहुत जरूरी है, अगर दया नहीं है तो आप किसान पुत्र को नहीं। मैं तो याद है मारे दादी मारे पेट दर्द कर तो फिर भी कहती ठीक है फाकी दे दो अपने बिरो पड़ दो, भैंस के पेट दर्द करे तो रात को सोती को भी उठा नहीं जाती। आप पशुआ नहीं औलाद प्यार क्या करता, आप अपनो पशु प्रकृति प्रेम, आपने ये प्रकृति का प्रेम है अपना ये, तो आप लोग तो फिर तेजा जी ने उस सांप को बचाया, सांप ने श्राप दिया, सांप ने गुस्सा हुआ कि भाई मेरे क्यों बचाया, तो तेजा जी ने कहा कि मैं गुजरी की गाय लेके आता हूं और वापस आने के बाद मैं दसाऊंगा तुम दस देना। सत्यवादी वचनबद्ध तेजा जी यहां से वो गाय लेके आए, वापस आए तो सांप को उनपे एक तरह से कहते ना कि प्यार आ सकता है, दया तो नहीं प्यार आया कि यार आदमी वचनबद्ध है नहीं, तो सर्प ने तेजा जी से कहा कि मैं तो नहीं काटूंगा, मैंने वादा निभाया तू तेरा वादा निभा। तो सर्प ने बहाना बनाया कि तेरे पूरे शरीर पे खून है, और सर्प आपको पता वहां नहीं डसता जब खून लहू होता है। तो तेजा जी की आप मूर्तियां देखते होंगे, तेजा जी की मूर्ति पे घोड़ी के ऊपर इस बाले से लपटा सांप होता है, ऐसे वो तेजा जी कहे मेरी जीभ जो है ना ये तो लथपथ नहीं है खून से, मेरी जीभ को डस लेते, तो जीभ से डसा। उसके बाद वहां वो निर्माण हुआ, वो जगह सुरसुरा है, आज वहां प्रोग्राम है। फिर वो घोड़ी जो है अपने परिवार में आई, सती हुए वो सब ये सब जब, तो मुख्य बात यह है कि चरित्र का मजबूत होना तेजा जी भक्त की पहली निशानी है, सत्यवादी होना उसकी पहली निशानी है, पराए व्यक्ति के कष्ट में उसकी सहायता करना निशानी है,
माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप की बात मानना निशानी है, अपना काम खुद करना ये निशानी है। सारे गुण यदि हम में है, वो चाहे आप हो चाहे मैं हो, तब तो इन जागरण का फायदा है, तब तो मतलब है। खीर चुरमुख और मजा करो, इतनी सी बात है क्यों नहीं है। तो नाथ जी महाराज ने प्रणाम करते हुए, तेजा जी की चार लाइनें हैं वो गा के फिर मैं निकलूंगा। अब मेरे साथ गए सब लोग, संगीत बजाते हो बजा दो भाई, पीछा थाना गए मत फोकड़ों घरे। गाजो गाजो जेठ ओ साड कंवर तेजा रे, गाजो गाजो जेठ ओ साड कंवर तेजा रे, लग तो ही गाजो सावण बाद वो तेजा, लग तो ही गाजो सावण बाद वो। अतरी अतरी गहरी नींद सूत्यो कैया तेजा रे, अतरी अतरी गहरी नींद सूत्यो कैया तेजा रे, थर तो साई ना पावे बाजरो तेजा, थर तो साई ना पावे बाजरो। अतरी अतरी झूठ मत बोले माता झरनीए, अतरी अतरी झूठ मत बोले माता झरनीए, मारे तो साई ना खेले गोरे में माई, मारे तो साई ना खेले गोरे में। हाड़ी हाड़ी के पायोड़ा मूंग मोट निपज तेजा रे, हाड़ी के पायोड़ा, हाड़ी के पायोड़ा मूंग मोट निपज तेजा रे, थार तो पायोड़ा मोती नीपज तेजा, थार तो पायोड़ा मोती नीपज। एक पैरा मंगा देता हूँ, ये तो सवा घंटे का भजन है, मेरा फेसबुक पेज है वहां आज अपलोड किया मैंने, सुन सकते हैं। ये जी कहते हैं मां से, कहते तो भंजा ही मारा पैल माता झरनीए, कहते तो भंजा ही मारा पैल माता झरनीए, कहते तो पड़ी है हल और हालड़ी ओ माता, कहते तो पड़ी है हल और हालड़ी। अरे थाना में भंजा ही बैल, थाना में भंजा ही बैल, फाड़े हल और हालड़ी, खूटा तो टंगी राशा सार ले उसे जा, खूटा टंगी राशा सार ले। एक पैरा कि तड़के उठियो भोर में हलियो लीनो हाथ, तड़के उठो भोर में हलियो लीनो हाथ, आटा वालो पेच पोतियो तेजो खेता माई चाल, अरे देवा ने मनाई खेत चाला कंवर तेजा रे, देवा ने मनाई खेत चाला कंवर तेजा रे, सुगन मनावे बेटो जाट को तेजा, सुगन मनावे बेटो जाट को। अरे गहरा तीजा मूंग कंवर कंवर तेजा रे, गहरा तीजा मूंग जुआर कंवर तेजा रे, भोकरिए घोरा में बीजो बाजरो तेजा, भोकरिए घोरा में बीजो बाजरो। अरे गहरियो तपियो तावड़ो गहरी, अरे गहरियो तपियो तावड़ो गहरोड़ी भूख लागी जी, तेजो भातारी जो है कुमारी, तेजो भातारी जो है पातड़ी। अरे बैल्या मारा भूखा तो खड़ाई भावज मारिए, बैल्या मारा भूखा तो खड़ाई भावज मारिए, कठ तो लगाई अति देर तो।
अरे मैंने पीसो मैंने पोयो कंवर ते जा रे मैंने पीसो मैंने ओ कंवर ते जा रे मन को तो रांधो है खाटो खींचो ते जा मन को रांधो है खाटो खींचो आई ते जाने रीस जद आखिरी पैराग्राफ बंद करूंगा फिर आई ते जाने रीस जद किनो भाभी पर क्रोध थारी छाक पाछी ले जा भावज तेजो बोलो बोल अरे थोड़ी आई लारे की देख लोटा तेवर रे नाने ने छोड़ो है पालन रोवे तो मैं तो नाने ने छोड़ो है रोवे तो मापे क्यों करोड़ी सलोड़ा तेवर हारा ओ जीरो थारी तो परनाई बैठी बाप के तेवर थारी तो परनाई बैठी बाप के जय महाराज की जय। राजकुमार जी आदेश था कि आपको तेजा गाना है इसलिए उन्होंने गुस्ताखी की बाकी अच्छे कलाकार सभी आपके बीच है एक बार सभी लोग एक साथ देखने लगे बोलो तेजा महाराज की दो चार पांच बातें बताई है मैंने जरूरी नहीं कि मैं उनको लागू करता होगा पर मैं शिक्षक हूँ मेरा निवेदन है कि समाज में तेजा जी के जीवन को अनुसरण कर लिया जाए तो कुछ भी किया जा सकता है हम लोग हुआ है तो जमीन का सीना चीर के नाच पैदा कर देते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं जो हुआ भी है एक छोटी सी बात कहता हूँ 96 में 96 में तो मैंने कोचिंग शुरू की थी लोगों ने मजाक का पात्र बनाया था बोले कोटा के वो बड़े लोग हैं बड़े सेठ साहूकार है तू किसान का छोरा कहाँ टिकेगा आज उन सब की दुकानें सीकर में है तो कोटा सीकर बहुत आगे है ये आपके छोरों की देन है आप सबने मुझे बुलाया मान सम्मान दिया आपका बहुत बहुत साधुवाद और पॉलिटिकली कभी भी वैसे आपका गाँव सक्षम है भाजपा का प्रत्याशी हूँ सरकार पार्टी की कभी भी हमारे लिए काम हो आप याद कर सकते हैं फतेहपुर में मेरे कार्यालय है मेरा खुद का नंबर आप लेना चाहें दे सकते हैं ओपन नंबर दे रहा हूँ या मेरा फेसबुक पेज है श्रवण चौधरी गोसावा उस फेसबुक पेज को फॉलो कर लो वहाँ सारी डिटेल है ठीक है बात पूरी करना भाई